फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एमएस किचन। आज लेकर आई हूँ मैं आप सभी को पसंदीदा पोहा कटलेट की रेसिपी एकदम न्यू तरीके से। तो चलिए आज की रेसिपी बनाना हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर ये 200 ग्राम के आसपास ये पोहा लिया है। देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पर पोहा लेना है और इसमें बहुत ही डस्टिंग होती है, तो जिसकी वजह से हमें यहाँ पर इसको अच्छे से वॉश करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर पैन पानी से एकदम अच्छे से इसको क्लीन कर लेती हूँ। और ध्यान रहे कि इसको ना साथ के साथ ही इसका पानी निकाल दीजिए, क्योंकि वो ना फिर बहुत ही पतले हो जाते हैं। तो चलो वो साइड में, तब तक के लिए मैंने इसको रख दिया है। दो मैंने यहाँ पर आलू लिए हैं बॉईल किए हुए, इसको मैं यहाँ पर ग्रेट कर लेती हूँ इस तरीके से, ये देखिए। तो इसको भी आप पानी से अच्छे से पहले यहाँ पर वॉश कर लीजिए। और मैंने यहाँ पर अच्छे से कस के यहाँ से पानी को इसको निकाल दिया है बिल्कुल भी, ये देखिए। तो इस टाइप से मेरे ये पोहा यहाँ पर एकदम खिला खिला हो गया है। 5 मिनट के लिए मैंने यहाँ पर इसको छोड़ दिया था और ये देखिए एक एक पोहा इसमें अलग अलग हो गया है। तो इस टाइप से जब आपका पोहा एकदम अच्छा सा तैयार हो जाए, तो चलिए हम आगे की प्रोसेसिंग स्टार्ट करते हैं। अब मैंने यहाँ पर जो ग्रेट किए हुए आलू थे यहाँ पर, वो मैं इसको इसमें मिक्स कर लेती हूँ। ध्यान रहे कि मैंने यहाँ पर बॉईल हुए आलू नहीं लिए, उसमें थोड़ा सा क्रंचिंग नहीं आता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर कच्चे आलू लीजिएगा। एक ऑनियन लिया है मैंने यहाँ पर, उसको ग्रेट कर लिया है छोटा छोटा पीसेस में। फ्रेश मटर लिया है मैंने यहाँ पर, थोड़ा सा इसको बॉईल कर लिया था। तो ये 100 ग्राम के आसपास मैंने यहाँ पर हरी फ्रेश मटर ली है, इसको भी मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ। एक मैंने यहाँ पर हरी मिर्च ली थी, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर अदरक लिया है, थोड़ा सा लिया है मैंने यहाँ पर हरा धनिया, इसको भी मैंने अच्छे से काट के इसमें डाल देती हूँ। वॉश कर लिया था पहले मैंने इसको। 1 टीस्पून ले रही हूँ मैं यहाँ पर सॉल्ट, टेस्ट अकॉर्डिंग आप इसको डाल सकते हो। 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पर जीरा डाला है, 1/3 टीस्पून मैंने इसमें हिंग पाउडर डाला है, 1/3 टीस्पून इसमें गर्म मसाला, 1/2 टीस्पून मैंने इसमें रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ, 1/2 टीस्पून मैं इसमें हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, 1/2 टीस्पून मैंने इस कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाला है जिससे कि कलर बहुत अच्छा आएगा, 1/2 टीस्पून मैं इसमें आमचूर पाउडर डाल रही हूँ जिससे कि हमारे इसमें बहुत ही अच्छा खट्टा चटपटा मीठा सा फ्लेवर आएगा। तो चलिए इन सभी चीजों को पहले हम यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसमें बहुत ही कम मसाले डाले लेकिन इतना क्रंची बनेगा सच में। आप इस रेसिपी को, फुल रेसिपी को इसमें देखिएगा। तो प्लीज मैं इसमें बहुत ही सिंपल से सिंपल तरीके से मैं इसमें आपको आज पोहा कटलेट रेसिपी बनाना बताने जा रही हूँ। तो प्लीज वीडियो को आप लोग कंटिन्यू देखिएगा। तो मैंने यहाँ पर इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद आप इसको कम से कम 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ दें ताकि ये अच्छे से ये सेट हो जाए। तो यहाँ पर ये अच्छे से सेट हो चुका है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा शेप में, इसको राउंड शेप में इसको बना लेते हैं। ये देखिए मैंने दोनों हाथ से इसको, इसमें जैसे कि हम टिक्की बनाते हैं उसी टाइप पे आप इसको बना लेना है। ये देखिए कितना मतलब कलरफुल, और इसमें हरी मटर डाली है, हमने अनियन वगैरह डाला है, तो बहुत ही अच्छा इसमें टेस्ट आने वाला है। तो चलिए इसी टाइप से हम यहाँ पर सभी के सभी कटलेट्स को तैयार कर लेते हैं। काफ़ी डिफरेंट टाइप की कटलेट्स होती हैं, तो आज मैंने यहाँ पर बस ये सिंपल सा टिक्की टाइप से ही कटलेट बनाने जा रही हूँ। तो हमारी यहाँ पर कटलेट इसकी सारी की बन के स्टार्ट हो चुकी हैं। तो चलिए जो सीक्रेट होती है हमारे यहाँ पर क्रंचनेस लाने के लिए, वो है यहाँ पर मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया है। थोड़ा सा इसमें पानी डाल रही हूँ मैं यहाँ पर, इसका अच्छा सा एक घोल तैयार कर लेंगे। ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालना है। तो 2 स्पून के आसपास मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर लिया था और 2 या 3 चम्मच के आसपास मैंने इसमें पानी डाला है। तो आप इसको इस तरीके से यहाँ पर इसे तैयार कर लीजिए। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर ये देखिए सूजी लिया है, मोटी वाली सूजी ली है। आप चाहे तो यहाँ पर ब्रेड के मतलब टुकड़े ले सकते हो, उसको तोड़ के बारीक करके उसको भी ले सकते हो, लेकिन आज मैं यहाँ पर सूजी से बनाऊंगी। तो ये देखिए, तो पहले तो हमें यहाँ पर जो कॉर्नफ्लोर का घोल था उसमें हमें यहाँ पर डिप कर लेना है अच्छे से, और उसके बाद में मैं यहाँ पर इसमें सूजी में इसको अच्छे से लपेट लूँगी। ये देखिए, तो पूरा अच्छी तरीके से आप चारों तरफ से इसको कवर कर लीजिए सूजी में। बहुत ही मतलब इसका इतना अच्छा लुक आ रहा है सच में। रेस्टोरेंट हो या फिर कोई, आप घर में एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए, बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। फैमिली में बहुत ही आप आसानी से इसको बना सकते हो, मतलब कि 10 मिनट में झटपट से ये नाश्ता तैयार हो जाता है। कोई भी आ रहा है आपके घर में तो आप इसे बहुत ही जल्दी से जल्दी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए हमारे यहाँ पर ये तैयार हो चुकी है। एक साइड में मैंने कढ़ाई में ऑयल गर्म होने के लिए पहले से ऑलरेडी रख दिया था। ये देखिए, फिर भी मैं एक बार इसे ट्राई कर लेती हूँ कि हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हुआ है कि नहीं। तो सावधानी बरतते हुए पहले आप ना, मतलब आप अगर फर्स्ट टाइम बना रहे हो तो प्लीज़ थोड़ा सा ऊपर से ही इसको छोड़िएगा, क्योंकि ना थोड़ा सा हाथ जलने का डर रहता है। तो ये देखिए, जितना आपकी क्वांटिटी हो ऑयल की, तो आप इसमें इतना इसमें ऑयल में डाल सकते हो अपनी कटलेट्स को। ये देखिए, तो मैंने यहाँ पर ये 3 ही कटलेट इसमें डाले हैं, क्योंकि कम से कम इसको डीप फ्राई हमें अच्छे से करना है। गोल्डन ब्राउन होने तक आपको मीडियम फ्लेम पर गैस रखनी है, क्योंकि अंदर तक भी हमारा इसको अच्छे से हमारा ये बनना चाहिए, तैयार होना चाहिए। ये देखिए, तो इसका कलर हल्का सा यहाँ चेंज होने लगा है। तो कम से कम ये 3 से 4 मिनट आप एक साइड से इसको अच्छे से इसका कलर चेंज होने दीजिए, फिर दूसरी साइड से होने दीजिए, जिससे कि अंदर तक इसका क्रंचनेस आएगा और बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। क्योंकि हमने यहाँ पर बॉयल हुए पोटैटो नहीं डाले थे, इसलिए थोड़ा सा आप इसको गोल्डन डीप फ्राई होने तक इसको बनाइए। ये देखिए, बहुत ही प्यारा सा हमारा
कटलेट का कलर आ चुका है और हमारी तो ये देखिए मैं आपको क्लोज होके दिखाती हूँ, बहुत ही अच्छा है। तो इसी तरीके से आप ना सभी के सभी कटलेट्स को इसको आप फ्राई कर लीजिए, डीप फ्राई कर लीजिए अच्छे से। ये देखिए तो हमारे यहाँ पर पोहा कटलेट बनकर एकदम तैयार है। आप इसका कलर देख सकते हो, देखने में कितने यम्मी लग रहे हैं और खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगेंगे। तो प्लीज़ गाइस इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर करें। वीडियो पसंद आए आपको तो प्लीज़ लाइक करना, और नहीं हो मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और कमेंट करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, और नेक्स्ट रेसिपी आप लोगों के लिए मैं किसकी लेकर आऊँ तो प्लीज़ कमेंट में मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताना कि किस चीज़ की आप लोगों को रेसिपी चाहिए। ये देखिए तो चलती है, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ में, जब तक के लिए बाय बाय।